हेलो गाइज, मैं हूं संतोष जावरिया और हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल द्वारा एडमिशन प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन 2020-21 के लिए है और कौन कौन से कोर्स इसमें ऑफर्ड किए गए हैं वो आप देख सकते हैं। आपके लिए कौन सा कोर्स अप्लाई होता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो कोर्स तीन मोड में दिया गया है, एक दिया गया है एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अर्हतादायक परीक्षा के आधार पर पहली प्रक्रिया। दूसरा है एडमिशन जो प्रोसेस होगी DET यानी डायरेक्ट इंट्रेंस टेस्ट के द्वारा दी जाएगी कोर्स जो आपको ऑफर्ड किए गए हैं वो। और तीसरा जो है मोड है वो फॉर एडमिशन इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। तो ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन के आधार पर जो कोर्स है वो उनका ब्यौरा यहाँ दिया गया है। तो चलिए हम वन बाय वन सभी को देख लेते हैं। एडमिशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एंड फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इस तरह के जो कोर्सेज दिए गए हैं। तो आइए हम आपको जो प्रमुख है बता देते हैं। जैसा कि आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में MA है, MA कौन कौन से लैंग्वेज से आप कर सकते हैं, संस्कृत लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी एंड उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेज से आप कर सकते हैं। इसके बाद में आइए यहाँ पर आपको फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में आपको MA MSc एजुकेशन ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगिक साइंस में। इसी के बाद आप फैकल्टी ऑफ लॉ में आइए, LLM, BA LLB, ये जो कोर्सेस है क्रम से 2 साल और 5 साल के, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद में आइए फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस जिसमें प्रमुख रूप से बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस। उसी के बाद में आप आइए फैकल्टी ऑफ साइंस में, इसमें MSc 2 ईयर्स डिप्लोमा है, 2 ईयर्स डिग्री कोर्स है, अप्लाइड जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी के साथ आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस में, इसमें है साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, सोशल वर्क इत्यादि से आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप आइए इसी में, हाँ आपको ये बता देते हैं, फैकल्टी ऑफ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जो कि MSc आप PG डिग्री कर सकते हैं। इसके बाद में जो DET के थ्रू होंगे एडमिशंस वो इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं जो आपके लिए लागू होता है उसे आप देख सकते हैं। इसमें BEd प्रमुख रूप से है, ये BEd 2 ईयर्स है, MBA है, ये कोर्सेज दिए गए हैं। उसके बाद में जो है एडमिशन जो है ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड है, वो जो ज़्यादातर इसमें डिप्लोमा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। जे PGDPC है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिख जाए। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। तो इत्यादि जो हैं डिप्लोमा आप यहां पर देख सकते हैं। और उसके बाद में कुछ जो महत्वपूर्ण नियम हैं उन्हें आप ध्यान दें। महत्वपूर्ण नियम में है एप्लीकेशन फ़ी फॉर जनरल एंड पब्लिक OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स इज ₹300 एंड फॉर SC ST 150 रिस्पेक्टिवली। तो मतलब इसमें बताया गया है कि जनरल और OBC के लिए ₹300 फीस है और SC ST छात्रों के लिए ₹150 हैं। और एनी कैंडिडेट हैज़ टू पे अबव फी अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, मतलब ये एप्लीकेशन फॉर्म एंड आवेदन फॉर्म के साथ ही जमा करनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए कि जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन प्रक्रिया कब से चालू होगी, कब तक चलेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम 5th August 2020 एंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अगस्त 2020, मतलब 5 अगस्त से 30 अगस्त तक 2020 तक ये
प्रक्रिया चलेगी जिसके तहत आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट रूल है, द स्टूडेंट कैन अप्लाई थ्रू एमपी ऑनलाइन पोर्टल। एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छात्र अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें द डिटेल्स ऑफ एडमिशन रूल्स एंड फी अदर इंफॉर्मेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट कैन बी सीन ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.bhopal.ac.in। मतलब एडमिशन के संबंध में नियम और फीस की जो जानकारी है वो विस्तृत रूप से आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। उसी के साथ में फोर्थ रूल है, रिजर्वेशन विल बी फॉलोड एज पर एमपी गवर्नमेंट रूल्स। जो आरक्षण का नियम है वो एमपी सरकार एमपी गवर्नमेंट के नियमों के अनुरूप होगा। उसी के बाद चलते हैं, द कैंडिडेट्स अवेटिंग देयर रिजल्ट्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस कैन आल्सो अप्लाई फॉर द एडमिशन इन कोर्स बट देयर फाइनल एडमिशन टू द कोर्स सेल बी रिक्वायर्ड पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब जो छात्र अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए जो एडमिशन प्रक्रिया होगी, लेकिन उनको लास्ट में अपनी अंकसूची लगानी पड़ेगी नियमों के अनुसार। चलिए इसके बाद साथ ही इसमें यहाँ ये बताया गया है कि आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड ए स्कैंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ मार्कशीट सर्टिफिकेट्स ETC मेल पोस्ट एंड हेड पोस्ट टू हेड ऑफ कंसर्न टीचिंग डिपार्टमेंट। मतलब जो छात्र है उनको जिनका रिजल्ट बाद में आ रहा है वो अपना फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन बाद में उनको मार्कशीट भेजते समय अपने मार्कशीट साथ आवेदन फॉर्म संबंधित विभाग को भेजना पड़ेगा। अगला है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग फैसिलिटी हैज़ आल्सो प्रोवाइडेड ऑन द वेब पोर्टल ट्रैक योर एडमिशन स्टेटस। इसका मतलब ये है कि आपकी एडमिशन प्रक्रिया कहाँ तक चली है उसको आप ट्रैक योर एडमिशन स्टेटस के माध्यम से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है, फॉर कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन इन द डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट प्रिस्क्राइब्ड फीस एज पर कोर्स वाइज विच विल नॉट बी रिटर्न्ड ऑन एडमिशन इज कन्फर्म द फी स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस कोर्सेज कैन बी मेक इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। मतलब एक बार एडमिशन क्लियर हो जाने के बाद कन्फर्म हो जाने के बाद फीस को लुटाई नहीं जाएगी और फीस स्ट्रक्चर है वो संबंधित जो डिपार्टमेंट है उस पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग MPhil एंड PhD कोर्सेज एडमिशन सेल बी नोटिफाइड सेपरेटली। MPhil और PhD के लिए सूचना पृथक से जारी की जाएगी। यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू मेक चेंज इन द एडवर्टाइजमेंट एडमिशन प्रोग्राम। मतलब एडमिशन के संबंध में सारे अधिकार यूनिवर्सिटी अपने पास रिजर्व रखती है, इस पर किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एडमिशन से संबंधित ये प्रक्रिया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात ये पॉइंट है जो आपको समझ लेना है। दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये 5 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगी और ये सूचना आप सभी लोगों को दें। ये वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं अपने साथियों को और उनका फ़ायदा कर सकते हैं। हो सकता है लॉकडाउन के कारण लंबे अंतराल के कारण सब इस जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाए हों, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस जानकारी को भेजें ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इस बात की सूचना मिले और वो समय पर एडमिशन ले सकें। जय हिंद, जय भारत।